First, I'll speak in a Hindi language and then in English. We are such a cosmopolitan people that I don't know what language to take to. आज हम लोग शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं। शिव जी के स्वरूप में एक स्वयं साक्षात सदाशिव हैं और उनका प्रतिबिंब शिव स्वरूप। ये शिव का स्वरूप हमारे हृदय में हर समय आत्मस्वरूप बन के स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थिति। प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा से प्रकटित होता है वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालु से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगती। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे षड्रूपी हैं वो खत्म होने लगता है। धीरे धीरे सब चीज़ें गिरती जाती है और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में जाग बुद्धि जागृत होती है, किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता। अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुँचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो उस तरह के होते, उनको किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं। बाल बिखरे हुए हैं, जटाजूट बने हुए हैं, कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने क्या करें इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दिए। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं,
करना। इनकी सवारी भी नंदी की है जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं कि जिसमें लगाम हुआ कुछ है, जहाँ नंदी महाराज जाए वहाँ शिव जी चले जाए। उनको किसी चीज़ में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम अगर ऐसे कपड़े पहन के और नंदी पे बैठ करके इधर उधर भटकें तो लोग हमें क्या कहें, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए हैं, अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं। उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी। लोक लाज क्या होती है ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा कि जब ये विवाह करने आए तो विष्णु, श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया है बेकार का, कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति जो एक मस्त मौलाद में किसी चीज़ की उनको कदर नहीं। सब चीज़ों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब चीज़ एक किंचित पदार्थ हो जाते, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिवजी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिवजी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिवजी का प्रकाश आता है तो उनका भी जीवन बदलने लग जाता है। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए, औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे। सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है क्योंकि सब जगह बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है, तो औरतें इसमें बहुत फंसी। पर जब अंदर से निखार आपके सौंदर्य का इस प्रकाश से आता है तब इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह आराम, आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य कोसता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये हाल नहीं। हिंदुस्तानी अब भी जहाँ जाते हैं उनको बाथरूम चाहिए अटैच्ड, पता नहीं और दुनिया भर की चीज़ें, अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभाव का मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफ़ी कामनाएं बची, बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह ले लो। हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अभी ये आश्रम हम लोगों ने लिए जब बनाया कि मेहनत से खर्चा करके इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते हैं तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा जो जन्म स्थान है छिंदवाड़े में, उस घर के लिए इतना रुपया पैसा खर्चा किया और मैंने कहा जो रिटायर्ड हो गए वहाँ रहें, बड़ी अच्छी आबोहवा है, हिल स्टेशन है, कोई तैयार नहीं। सब अपनी आराम के सोचते हैं। इन लोगों में बात नहीं है, ये लोग आश्रमों में बहुत सुख से। मेरा घर, मेरी जगह, मेरी बीबी, खाना बनना चाहिए इस तरह से, यही खाना खाएंगे। हम लोग इतने स्वाद में उलझे हुए हैं
इन लोगों में यह स्थिति नहीं। हिंदुस्तानी खाना भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब हिंदुस्तानी आते हैं कबेला तो अपनी रोटियाँ पराठे वराठे बांध के लाते हैं, अचार वचार ले के आते, क्योंकि उनके जीभ से नहीं उतरेगा, अभी तो जीभ में ही सब फंसा हुआ है। सो ध्यान करने से जब तक ये चीज़ें छूटेंगी नहीं तो आप धर्म से परे नहीं जा सकते। एक छोटी सी बात समझने की है कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते हैं। इस बार इन्होंने कहा कि माँ आप इतनी बड़ी ज़मीन ले रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो पूजा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कर दो। न जाने कितनी चिट्ठियाँ मेरे पास आए कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा। अरे भाई, एक बार दिल्ली में ये पूजा हो रही, उसमें भी चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ, पूजा का पैसा, पान खा करके लोग फेंक देंगे, लेकिन पूजा में ज़रूरी पैसा नहीं। आपसे कभी हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीज़ें अपने ही दम पर सब करी है, लेकिन इतना सा भी कहते ही देखिए आज आधा मंडप खाली, क्यों? क्योंकि पूजा का पैसा नहीं देना। और फ़ोन करते हैं कि हमारा पूजा माफ़ कर दीजिए, हमारा पूजा। अरे भाई कोई आप कम नौकरी हो ऐसा नहीं, हमारे पति देंगे, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता। अभी अगर कोई पावगढ़ गुरु होते तो आप लोगों सबके बाल मुंडा करके और आपको गेरुआ वस्त्र पहना के सर के बल खड़े करते, लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि सहज की बात है, सब चीज़ सहज में आना चाहिए। हमने बहुत लोगों को त्याग करते अपने जीवन में देखा, पर आजकल लोगों में वो मैंने देखा नहीं। हमारी माँ का मुझे मालूम है कि 6 साड़ियों से 7वीं साड़ी उनके पास हो जाए तो दे डाल दी। और वहाँ भी लोग आते हैं कबेला में तो आश्चर्य होता है कि उनको अलग से कमरा चाहिए, अलग से घर चाहिए, अलग रहेंगे, सबके साथ मिलके नहीं रह सकते। जो सबके साथ मिलके रह नहीं सकता वो सहयोगी नहीं, वो अभी भी सोचता है कि मैं कोई विशेष हूँ, मेरा अलग सब इंतज़ाम होना चाहिए, वो सहयोगी हो नहीं सकता, वो नाम मात्र को सहयोगी। जो शंकर जी का भक्त है उसको शंकर जी जैसे होना है, कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी खाने को दो, कोई किसी से मतलब नहीं, कोई टाइम की पाबंद नहीं, कोई चीज़ की मांग नहीं, ऐसा ही आदमी हम कह सकते हैं सहयोगी है। और शिव जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। लोग तो इसको प्राप्त करने से ही पहले न जाने क्या क्या करते हैं, और किसी भी पद्धति में आप जाइए तो आपके सारे पैसे नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ऐसा सहयोग भी नहीं, लेकिन ये वृत्ति जो हमारे अंदर अब भी बनी हुई है इसको छोड़ना चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ छोड़ सकते हैं। जब तक ये मस्ती आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको शिव जी के भक्त नहीं कह सकते। माता जी के तो हर तरह के भक्त हैं, उसकी कोई विशेषता तो है नहीं, हर तरह के भक्त हैं, चाहे जो भी करें, चलो माँ ही हैं, माँ माफ़ कर देती, पर माफ़ कर देने से आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माफ़ करने की बात सबसे बड़ी यह है कि शिवजी से हर समय माफ़ी मांगनी चाहिए, हर समय क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि पक पक पर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे शंभो हमें क्षमा कर दो, हम ये गलती करते हैं, हम वो गलती करते हैं, हमारे अंदर ये ज़रूरतें हैं, हमारे अंदर वो ज़रूरतें हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए अपने अंदर है तब तक आप परमात्मा से क्षमा मांगें।
और ये मेरा घर, मेरी बीबी, इस तरह की एक अधिकार की भावना जो हमारे अंदर है, इसको जब हम नहीं तोड़ सकते तो हम शिव जी के भक्त हैं। इस मामले में आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के लोगों ने तो इतना पा लिया, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था शिव जी का नाम, और हम लोग अब भी उसी में चिपके हुए हैं और उसी को इतना मानते हैं। शिव होने का मतलब यह है कि सर्वथा दुनिया भर की जो हमारे अंदर लोलुपता है, जो हमारे अंदर नफरत है, जो हमारे अंदर दुष्टता है, उसको छोड़ें। पर मनुष्य सहज होकर अपने आने पर भी अपने को देख नहीं पाता। मैंने सुना एक सास है अपने बहू को सता रही, और मैंने कहा तुमको क्यों सता रही? कहा मैंने कभी सताया ही नहीं। अच्छा, सिनेमा में जाएंगे देखेंगे कोई सास बहू को सता रही तो रोएंगे वहीं, और घर में आके बहू को सताएंगे या बहू सास को सताए, लेकिन कहेंगे मैंने कभी किसी को सताया ही नहीं। इस तरह के एक झूठ को अपने आवरण में रख के सहयोग में आप उठ नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। इससे तो आपका सोना हो गया, और सोने पे कोई कलंक लग ही नहीं सकता, उस पर कोई चीज चढ़ ही नहीं सकती। वो अब आप हो गए हैं, उस स्थिति को प्राप्त करें। अब भी क्यों ये गुलामी दुनिया भर की चीज़ों की होनी चाहिए? यही कुंडलिनी का वैशिष्ट्य है कि ये आपको पूरी तरह से सफाई मिला। सेवा, हाँ भाई सेवा भी करना चाहिए, पर मुझे तो कोई आपकी सेवा खास चाहिए नहीं, मैं खुद ही मस्त मौला हूँ, मुझे क्या आप सेवा देंगे? सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर ये मस्त मौलापन ले आए, एक आनंद में विभोर रहने पर ये सोचना चाहिए कि यह सब चीज़ें कुछ तो आनंद ही के लिए हैं, और वो आनंद हमको अगर मिलता ही है बगैर कुछ किए तो ये सब करने की क्या जरूरत। बहुत कुछ सोचने पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सहज जो है वो है तो बहुत सरल और इसीलिए बहुत कठिन है। अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो और कहे कि अब चलो सब बाल मुलाओ, गिरवे वस्त्र पहनो, 14 दिन तक भूख हड़ताल, हो गया, उसमें ठीक हो जाते। पर जो सहज है उसको अपने हृदय से, अपने मन से, अपने बुद्धि से स्वीकार करके और उसमें अपनी ही ताड़ना करना, अपने ही को ठीक करना, मैं ऐसे क्यों करता, ऐसा मुझे करना चाहिए क्या, इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा। और इससे एक तरह से आप अपने को पाइएगा कि आप समर्थ हैं, आपको कोई चीज़ की गरज नहीं, आपको कोई चीज़ की इच्छा नहीं, आप बैठे हैं आराम से। और आश्चर्य की बात है कि जब चैतन्य ये जानता है कि आपको कोई चीज़ की गरज है तो आपके सामने थाली परोस कर लाए, हो सकता है प्रलोभन के लिए, हो सकता है, फिर देखेगा आपको क्या है। कोई आपकी ज़रूरत ऐसी है ही नहीं जो पूरी नहीं कर सकता, पर इसमें थोड़े से लगन होनी चाहिए। आज शिव जी का हम लोगों ने इतना आवाहन किया हुआ, और उनको तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। उनमें हमें यही फर्क है कि हमें सब तरह के लोग अच्छे लगते हैं, उनको नहीं। उनको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने ये सब व्याप छोड़ दिया, ये सब उपाधियां हमारे अंदर एक एक चीज में कि भाई कपड़े ऐसे पहने नहीं पहने तो क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ संन्यास बाह्य का नहीं माना जाता, अंदर से आप संन्यस्त हो जाए, और संन्यस्त होने पर कोई भी चीज़ की कामना ही नहीं रह जाती, जहाँ आए वहीं मस्त।
पहले नाथ लोग थे, वो भ्रमण करते थे, दुनिया भर में जाते थे और उन्होंने बहुत कुछ लोगों को शिक्षा दी। मैं तो आश्चर्य हुई कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुँचे थे। कोलंबियास मैं गई थी तो वहाँ पता हुआ कि बोलीविया में ये लोग आए थे। अब कोलंबिया में अगर आप जाएं तो हवाई जहाज़ में ये चक्कर आने लगते, इतना ऊंचा है। और उस वक़्त तो सब पैदल ही लोग जाते होंगे, तो ये गए कैसे होंगे ये समझ में नहीं आता। रशिया में, रशिया के और भी देशों में इनका भ्रमण हुआ। और कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, कुछ पता नहीं। जो कि वो दशा आ जाती है फिर कि आप एक चमत्कार पूर्ण इंसान हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं शिरडी के साईनाथ, वो कहीं भी उद्भव होता है उनका, कहीं भी आते हैं, कहीं भी किसकी मदद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि माँ हमने तुमको देखा। हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं क्योंकि उनके मारने वाली जो वृत्तियाँ खत्म हो गई, फिर वो अमर हो जाते हैं। और यही अमरत्व को प्राप्त करना ही शिव जी की पूजा है। आई एम टॉकिंग टू देम अबाउट शिवाज वर्शिप, व्हाट शुड हैपन टू यू। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंटरनल हैपनिंग विद इन अस। व्हेन यू गेट योर रियलाइजेशन, देर आर 11 रुद्रास प्लेस्ड, 11 ऑफ देम। दे आर पार्टिकल्स, वी कैन से अंशा इज द क्वालिटी ऑफ शिवाज पावर्स, एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू टेक आउट और टू रिमूव ऑल द फॉल्स आइडियाज वी हैव अबाउट लाइफ। When the Kundalini rises, they all get enlightened, 11 of them. And say, for example, Buddha had a part of that, Mahavira had a part of that. Now, all of them, what they do is to control us for falling into the prey of various things, like we have an ego. So Buddha will look after the ego part. He will see that you get shocked by your ego. You will be quite amazed how you could be so egoistical and so insulting and so humiliating. But when this Rudra is not awakened, when there is no light in this Rudra, then what happens? You start justifying yourself. You think whatever you do is correct. Whatever you've done, whatever you've said, whatever you have achieved, you think is your right. You've done nothing wrong. For that, this Buddha's Rudra has to be awakened. On the contrary, if you go on pampering your ego, if you go on becoming egoistical, you become absolutely a right-sided personality. Once you are a right-sided personality, you know what all the symptoms there are of such a person. Now for that, if you just watch and introspect and see for yourself what ego has done to you, what wrong ideas you had about yourself. So that's why Mama Sava said, beat yourself with shoes. He didn't know what else to tell. Because this ego business can really burst you, your head completely, and you may land up into so many difficulties. Ultimately, I have seen people developing the Zippy's disease, where the conscious mind becomes absolutely useless, cannot move. Consciously people cannot move. Unconsciously they will, but not consciously. And this disease is so horrible, a person becomes like a reptile. You have to carry them on your body. They can't walk on their own. They can't sit on their own. In a very young age this can happen.
is happening in America also. I have seen 2-3 cases here. In India also such a thing. So if you do not try to see your ego and control it and feel repentant about it. In Sahaja Yoga there is nothing like repentance. We don't believe in repentance because we believe that you all have got your realization, you are beyond any mistakes. It's not true. We have to repent. There's in English there's a word sorry. Sorry for everything they say, sorry. Even telephone if you pick up they say sorry. I said sorry for what? But this sorry itself is very empty. It has no meaning, it has no depth. When you say sorry, you have to see why you are saying sorry and what is to be corrected. This is a very big problem of today's generation, where people have developed such tremendous ego. Because all our economic growth, all our industrial developments, all our big organizations, all of them have given us a way that we should all develop our ego. If we don't develop our ego, we'll be lost, we are nowhere. And that's how we start pampering it. And then this right-sided problem starts. Then as a reaction, it goes to the left side. And actually in the head, it is on the right side. Here is the right side, ego comes up. So the left, Rudra, is that of Mahavira. So people do things which are sinful, which are wrong, which are against Sri Ganesha. Then also there are controlling powers of Mahavira who controls, he says, you will go to hell, this will happen. He describes all the hell, all kinds of hell, that you will go to hell and you will be burnt alive, I don't know, all kinds of things he describes, to frighten. But that doesn't help. So people start getting more on to the left side, and I should say to this Rudra, when this Rudra gets helpless, then a tremendous depression comes. One feels very depressed, oh God, what a depression I have, I am so sick, I am this thing. And then you try to frighten others with your depressions. You show sort of what you call an emotional blackmail, you do. All kinds of things you will do and beat your head and do all kinds of things. Could be through ego, could be through this left side problem of the left Rudra. These two Rudras are very important because they are directly connected with our left and right sympathetic nervous system. So it's very important to see that you don't fall prey to these Rudras. These Rudras are to be satisfied. So to be normal, at least look after these two Rudras, which are, one is one who controls the ego and another is self-pity. I just can't do it, I'm this, that, and all kinds of depression. All this works out into physically also into very serious problems like cancer. If the Rudras are caught up, you develop cancer. But all this portion gets swollen up. It's called as the Medha. This all portion gets swollen up. And you can see a cancer patient having a swelling all over. At least would be here or maybe there. Because such a swing in the nature of a person that you can't say from which Rudra they have developed these psychosomatic troubles. Psychosomatic troubles, all of them come because the Rudras have become ineffective. It can be due to the depressive nature or oppressive nature. It could be due to many other factors also. But all these factors are nothing
but part and parcel of Shiva's or Sadashiva's powers. He is the one who is full of Karuna, full of compassion. He is the ocean of compassion. If you ask him forgiveness, he'll forgive. Whatever you do, instead of feeling guilty, if you ask forgiveness, then he forgives. But if you think you whatever you have done is good, you never tortured anybody, you have never made anybody suffer, then it knows. Shiva knows everything, isn't it? And because it knows, it starts giving up. So there's a big combination of your willpower to be there and the combination of the blessings of Shiva. When the Shiva blesses you, your willpower also heightens. But you must have full willpower to know that you have to be of a higher level of personality. He was not at all a mundane type. I mean, he was supposing ask Shiva to go to some party and all that. How will he look there? People will laugh at him. When I met some hippies, I said, why are you having this kind of hair? So they said, we want to, they are all primitive. So he said, I want to be primitive. I said, but the brain is modern, what's the use of having primitive hair? So deception, deceiving yourself is not going to help. Best thing is to face yourself and understand what wrong you have been doing. If it works out, I tell you, so many Sahaja Yogis are sitting here. If you correct yourself and become that, I'm sure all the problems, political, economic, and all stupid problems we have, will be finished. But today it's such a mixture due to Kali Yuga that even the worst people are carrying on. Now we have a responsibility to save this world. We have a responsibility to create a great, honorable life, which is not superficial, which is not just to show off, but inside it should develop so that this light of your spirit spreads and enlightens this world. It's very important to understand. All these troubles and these, I should say diseases, psychosomatic diseases, and all other problems which are in a collective way we can call of the Kali Yuga, like political, economic, all these problems, only are created by human beings. They are not created by the Divine Force, but Divine Force tries to neutralize them if there are many Sahaja Yogis who are practicing Sahaja Yoga in the real sense. If that could be done, if that could be achieved, then I think we can do a lot for the betterment of humanity, and that's why we have got realization. It's not only for yourself, it's not only for your family, it's not only for your city or country, but for the whole world, Sahaja Yoga is going to work out. Now, if you have to do competition, you must only do competition in your ascent and in nothing else. But people are so superficial that they think by showing off or by becoming something, a big Johnny, they will achieve something of a very great level. Is not so. It has to be a very humble attitude towards yourself also, so that you understand that whatever you are doing is for the betterment of global problems. Absolutely we can solve, because you are the channels of the Divine. If I could do it alone, I would have done it, but I can't. So that's why I had to gather you all and to tell you that you become all the channels. But in the meanwhile, you enjoy life,
every second becomes joy, which is also the gift of Shiva. Shiva is the one who creates this great admiration and great appreciation of every moment, everything that is done. And that is the state we have to achieve by not condemning yourself or not by pampering your ego, but by seeing what you are. That's the main thing one has to see, what problem you have and what is troubling you is yourself only. If you could just come to that point of understanding, I'm very, very sure that you will be such an asset to help to make this world look at itself and change. Because superficially you cannot change such deep-rooted problems, and you are being so blessed by Kundalini that you can really become a great torch, I should say, torch on the path of truth, love and joy. May God bless you.